हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ क्लासरूम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एमपी लैंड रेवेन्यू कोड की वीडियो लेक्चर सीरीज़। इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम कोशिश करेंगे कि एमपी लैंड रेवेन्यू कोड के हर चैप्टर, हर सेक्शन के प्रोविज़ों को आपको एक इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करें। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एमपी लैंड रेवेन्यू कोड की बेसिक को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो जब भी हम कोई नया सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं तो हमें तीन क्वेश्चंस का आंसर बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, अगर हमें उसका बेस क्लियर करना है। तो सबसे पहले कि लैंड रेवेन्यू एक्चुअली में होता क्या है, दूसरा कि लैंड रेवेन्यू कोड क्यों बनाया गया है, और तीसरा कि ये लैंड रेवेन्यू किसे पे करना पड़ता है, और ऐसी कौन सी अथॉरिटीज है जो ये लैंड रेवेन्यू कोड रिकवर करने के लिए, वसूल करने के लिए ऑथराइज है। तो सबसे पहले क्वेश्चन से डील करते हैं कि लैंड रेवेन्यू होता क्या है, व्हाट इज लैंड रेवेन्यू। तो इसका आंसर देगा हमें दो सेक्शन। सबसे पहले आता है सेक्शन 57 बोलता है कि ऑल लैंड बिलोंग्स टू स्टेट गवर्नमेंट, समस्त भूमियों में राज्य का स्वामित्व। इसको हम बेयर एक्ट से भी पढ़ के देख लेते हैं। आप सबके पास अगर बेयर एक्ट है तो प्लीज उसे खोल के साथ में पढ़ सकते हैं। तो ये बोलता है कि स्टेट ओनरशिप ऑफ ऑल लैंड्स, All lands belong to state government and it is hereby declared that all such land are the property of state government. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी भी लैंड है मध्य प्रदेश में उसका एक ही ओनर है, वो है स्टेट गवर्नमेंट, और हम जो सिटीजन हैं, नागरिक हैं, हम स्टेट गवर्नमेंट से लैंड को होल्ड करते हैं, एक्वायर करते हैं, लेते हैं। तो जब भी हम स्टेट गवर्नमेंट से लैंड को होल्ड करते हैं तो हमें बदले में स्टेट गवर्नमेंट को कुछ देना पड़ता है, उसे हम क्या बोलते हैं, लैंड रेवेन्यू। ओके, इस सेक्शन को हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तो डिटेल में इसको, सेक्शन 57 को हम और पढ़ेंगे। दूसरा सेक्शन आता है सेक्शन 2M1, जो कि हमें बताएगा डेफिनेशन लैंड रेवेन्यू की। तो इसकी डेफिनेशन बोलती है कि ऑल मनी पेबल टू स्टेट गवर्नमेंट फॉर होल्डिंग लैंड। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हम स्टेट गवर्नमेंट से कोई लैंड को होल्ड करते हैं और उसके बदले में जो हम पैसा देते हैं उसे हम बोलते हैं लैंड रेवेन्यू। बढ़ते सेकंड क्वेश्चन की तरफ कि ये लैंड रेवेन्यू कोड क्यों लागू किया गया। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन था कि लैंड रेवेन्यू कोड आखिर लागू क्यों हुआ। तो 1959 के पहले ये होता था कि हमारे मध्य प्रदेश में लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड बहुत सारे लॉज थे, हर रीजन का एक अलग लॉ, तो बहुत कंफ्यूजन होता था कि एक पर्टिकुलर पर्सन कौन से लॉ से डील करेगा, कौन सा लॉ उसके ऊपर लागू होगा। तो इन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए लैंड रेवेन्यू कोड लाना पड़ा। इसका प्रीएम्बल हमें ऑब्जेक्टिव बताएगा कि लैंड रेवेन्यू कोड आखिर लागू क्यों हुआ। तो ये इसका प्रीएम्बल बोलता है कि टू कंसोलिडेट एंड अमेंड लॉ रिलेटिंग टू लैंड रेवेन्यू। तो जितने भी लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड लॉ है उसको कंसोलिडेट करना, कंसोलिडेट का मतलब ये होता है कि बहुत सारे लॉज हैं लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड, उनको कंबाइन करके एक लॉ बना देना, एक कोड बना देना। फिर दूसरी चीज़ कि रेवेन्यू ऑफिसर्स की क्या क्या पावर्स होंगी, कैस कौन सी शक्तियाँ होंगी रेवेन्यू ऑफिसर्स के पास। तो सेक्शन 11 के अंदर हम पढ़ेंगे 19 प्रकार के रेवेन्यू ऑफिसर, उनकी क्या पावर होंगी हमें कौन बताता है, लैंड रेवेन्यू कोड। तीसरी चीज़ कि जितने भी होल्डर हैं लैंड के उनकी क्या राइट्स होंगी और उनकी क्या लाइबिलिटीज़ होंगी, क्या अधिकार होंगे और क्या दायित्व होंगे, ये हमें कौन बताएगा, लैंड रेवेन्यू कोड। और आखिर में जितने भी एग्रीकल्चर टेन्योर्स हैं, मतलब कि बहुत जो पर्सन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए लैंड को होल्ड करते हैं उनकी क्या राइट्स होंगे और क्या लाइबिलिटीज होंगे, ये हमें लैंड रेवेन्यू कोड बताता है। तो इन चारों चीज़ों से रिलेटेड लैंड रेवेन्यू कोड क्या करता है, लॉ को कंसोलिडेट करता है और अमेंड करता है। ओके, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव। फिर प्रिलिम्स के हिसाब से क्वेश्चन आता है कि लैंड रेवेन्यू कोड को प्रेसिडेंट ने कौन से डेट को असेंट दी थी अपनी, तो यह है 15 सितंबर 1959 को असेंट मिली थी। और फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि लैंड रेवेन्यू कोड कब से लागू हो गया, कब से एनफोर्समेंट आ गया, उसकी एनफोर्समेंट डेट पूछ ली जाती है। तो हमें याद रखना है 2 अक्टूबर, महात्मा गांधी का हैप्पी बर्थडे, तो 2 अक्टूबर को लागू हो गया था। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ कि लैंड रेवेन्यू कोड कौन सी सिचुएशन में और कौन से लोग के ऊपर लागू होता है।
अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ कि लैंड रेवेन्यू कोड कहाँ पर और किन किन लोगों के ऊपर लागू होगा। सबसे पहले देखते हैं कहाँ पे लागू होगा, तो इसका आंसर देता है सेक्शन वन। ये बोलता है कि लैंड रेवेन्यू कोड जो है संपूर्ण मध्य प्रदेश में लागू है, पर इसका एक अपवाद है कि अगर किसी लैंड को इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के द्वारा रिजर्व या प्रोटेक्टेड घोषित कर दिया गया है तो ऐसे एरियाज के ऊपर ये लैंड रेवेन्यू कोड जो है वो अप्लाई नहीं करता। पर इसके भी एक्सेप्शन है कि चार प्रकार के ऐसे प्रोविजन दिए गए हैं सेक्शन वन के अंदर जो इज इन रिजर्व या प्रोटेक्टेड एरिया के ऊपर लागू होंगे। तो सबसे पहले आता है लाइबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू पे करने का दायित्व जो कि सेक्शन 58, 137 और 159 के अंदर दिया है वो इन रिजर्व और प्रोटेक्टेड एरिया के ऊपर लागू होगा। दूसरा असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू को निर्धारित करना इन प्रोविजंस के अंदर ये भी इन पे लागू हो जाएगा, सेक्शन 58, 59A, 59B, 72, 73। तीसरा आता है रियलाइजेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू कि लैंड रेवेन्यू को कैसे रिकवर किया जाए, वसूल किया जाए, इसके जो प्रोसीजर है प्रोविजन जो दिया गया है सेक्शन 147 के अंदर ये भी इन एरियाज के ऊपर लागू हो जाएंगे। और इन तीनों से रिलेटेड जो भी एंसिलरी अनुसांगिक प्रोविजंस है वो भी इन पे लागू हो जाएंगे। अब इसके बाद देखते हैं कि लैंड रेवेन्यू कोड किन किन लोगों के ऊपर लागू होगा। फिर आती है बात कि ये लैंड रेवेन्यू कोड किन किन पर्संस के ऊपर अप्लाइड है। तो सेक्शन 59 हमें बताता है कि ऐसे पर्सन जो लैंड को होल्ड करते हैं इन दिए गए फॉलोइंग पर्पस के लिए, हर पर्पस का एक अलग रेट होता है, उस रेट के हिसाब से उसका लैंड रेवेन्यू तय किया जाता है। तो ये सारे पर्पस है, सबसे पहला आता है एग्रीकल्चर पर्पस। अगर आप एग्रीकल्चर पर्पस के लिए लैंड को यूज़ कर रहे हैं तो आप लैंड रेवेन्यू पे करने के लिए लायबल है। दूसरा आता है ड्वेलिंग हाउस, आप रेसिडेंशियल पर्पस के लिए अगर कोई लैंड को एक्वायर करते हैं तो भी आपको लैंड रेवेन्यू पे करना है। फिर आते हैं फॉलोइंग पर्पसेस, पहला आता है कमर्शियल, दूसरा एग्रीकल्चर और तीसरा इंडस्ट्रियल पर्पस। अगर आप इन तीन पर्पस के लिए भी लैंड को होल्ड करते हैं तो भी आप लैंड रेवेन्यू पे करने के लिए लायबल होंगे। तो गाइज ये था हमारा बेसिक MPLRC का, और आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप फ्री होके बिल्कुल कमेंट सेक्शन में नीचे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और लगभग हमने अपना चैप्टर वन ख़त्म कर दिया है, उसका सेक्शन टू जो डेफिनेशन से डील करता है उसे हम एक सेपरेट वीडियो में समझेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर थ्री की जो बात करता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की, राजस्व मंडल के बारे में। सो गाइस नेक्स्ट वीडियो तक गुड बाय।